एक स्थिति अब परविंदर सेठी जी कि मनीष सिसोदिया 8 बजे काउंटिंग शुरू हुई और उस वक्त 10:40 हो रहे, ढाई घंटों में अगर सिर्फ 72 वोटों से वो आगे हैं तो आपको लग रहा है कि बीजेपी के अब कैंडिडेट ने बहुत कड़ी फाइट दी है वहां पर, और वहां पर वोट जमकर के भारतीय जनता पार्टी के कैडर बेस्ड वोट ने और आम जनता ने भी किया है बीजेपी को? देखिए अभी तो बड़ी शुरुआती वो है, लेकिन जो मार्जिन ऑफ वोट्स है वो बहुत कम है, उससे ये दर्शाता है कि भी कभी भी परिस्थिति बदल सकती है, क्योंकि मनीष सिसोदिया जैसे इतने कदवार नेता जो डिप्टी सीएम है और उनका जो जीत का मार्जिन है सिर्फ 74 वोटों का है, तो ये बड़ी चौंकाने वाली बात है। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा और इंतजार कर लेते हैं कि ये 72 वोट क्या 7000 वोटों में बदलते हैं, 700 वोटों में बदलते हैं, या 72 वोट से मनीष सिसोदिया हारते हैं। तस्वीरों के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे राज्यों के हमने नतीजे देखे हैं जो बिल्कुल बाद में जाकर के घड़ी की सुइयों के आगे बढ़ने के साथ साथ वो पलट गए हैं। मगर ऐसी स्थिति में मैं एक चीज शकील साहब जो समझना चाह रहा था कि मौजूदा वक्त में 10:30 या 10:40 के आसपास एक वो चीज जहां पर बीजेपी जीतती हुई नजर आई है, वोट प्रतिशत। ब्रेक पे जाने से पहले मैं इस बात को लेकर के चर्चा कर रहा था कि जो वोट प्रतिशत करीब करीब 32.19% भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव में हासिल हुआ था, अब तक बीजेपी ने 41% वोट हासिल कर दिए। आम आदमी पार्टी अपने पुराने वोट प्रतिशत को अभी बनाए रखने में भी कामयाबी हासिल नहीं की, तो कम से कम इस स्टेज पर तो बीजेपी की आप जीत मानेंगे? जी, बीजेपी ने, मैं तो शुरू से ही इस बात को कह रहा हूं कि जो है इस जो है दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो है अमित शाह जी ने जो है रोड पर आकर के, अपनी सड़कों पर आकर के जो है गली गली मोहल्ले मोहल्ले उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को जागरूक किया और वोट बैंक को जो है कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी ओर आकर्षित किया, खींचा, जो जिसका नतीजा सामने सबको दिखाई दे रहा है कि पिछले लगभग जो है पहले जो है 32% था, अब जो है 38 हुआ, यानी कि उस 20% की खाई को पाट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, 10% तो कम कर ही दिया है। जी बिल्कुल कर दिया है, और ये चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 50 सीटों पर आम आदमी पार्टी इस वक्त आगे है, और उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस वक्त अपनी उसी आंकड़े पर बनी हुई है। मगर परविंदर सेठी साहब, ये जो एक स्थिति है, भले ही सीटों के मुकाबले देखिए, अब 17 सीटें भारतीय जनता पार्टी की सुख आ गई है, 53 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही है। इसलिए मैं बार बार दर्शकों से यह कह रहा हूं कि आप सबसे सटीक और सबसे तेज नतीजे आप R9 टीवी पर इस वक्त देख रहे हैं, इस लिहाज से कि हम जो तथ्यों के आधार पर या हकीकत के आसपास की चीजें आपको दिखा रहे हैं, हो सकता है बहुत जल्दी आपको दिखा रहे हो, सकता है थोड़ा लेट आपको दिखा रहे हो, लेकिन बिल्कुल सटीक आपको हम दिखा रहे हैं। मगर मैं ये समझना चाह रहा हूं परविंदर सेठी जी कि ये जो 20% का गैप था आम आदमी पार्टी और बीजेपी के वोट के बीच में, 32 और 54% का जो गैप था, 10% ज्यादा इस वक्त तक बीजेपी ले आई है। यह बात कही जा रही है कि बीजेपी की रणनीति काम नहीं की, बीजेपी ने जिन मुद्दों को उठाया उन मुद्दों को दिल्ली की जनता ने नकार दिया, दिल्ली की जनता को रोजमर्रा की जिंदगी में जो जरूरियात की चीजें हैं उस पर जो अरविंद केजरीवाल ने बिजली, पानी, वाईफाई या फिर बसों में महिलाओं का सफर करना, इन सारी चीजों को दिल्ली की जनता ने एक्सेप्ट किया और उसकी बुनियाद पर वोट किया। मगर अगर अमित शाह इतनी मेहनत ना करते तो क्या ये और नीचे खिसक करके रहता वोट प्रतिशत? ये अमित शाह को क्यों ना श्रेय दिया जाए कि 32% से लेकर के खींच करके 41% वोट अपने ले गए भारतीय जनता पार्टी के वोट प्रतिशत को? देखिए, आप पिछले चुनावों से अगर आप इनकी तुलना करेंगे तो वो एक वेव थी, जो वेव जब किसी पार्टी की वेव आती है तो पूरी तरह से उसकी जीत होती है। जैसे आम आदमी की 67 सीटें आई और उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा में 7 सीटें आई, तो उसमें वोट प्रतिशत बड़ा था। अब वोट प्रतिशत जो है बैलेंस है। आपको सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो वर्कर नेटवर्क है वो बहुत ही स्ट्रांग है, जो उनकी स्ट्रेटेजी है बहुत ही स्ट्रांग है, उन चीजों को आप नकार नहीं सकते। वो जो उनका वर्कर नेटवर्क है और उनकी स्ट्रेटेजी है, उनकी प्लानिंग है, और जब किसी भी चुनाव को वो बड़ी गंभीरता से लेते हैं, चाहे छोटा नेता हो, चाहे प्रधानमंत्री जी हों, चाहे नेशनल अध्यक्ष अमित शाह जी हों, वो अपनी पूरी ताकत झोंकते हैं उस चुनाव के अंदर। इस चुनावी नतीजे या इस रुझान के बुनियाद पर क्या ये कहा जा सकता है कि दिल्ली की जनता देश के दूसरे राज्यों के वोटर्स के मुकाबले ज्यादा परिपक्व है, खास तौर पर मुद्दों की बुनियाद पर वोट करने में? क्योंकि आप देख लें, 1998 से देख लिया, शुरू से ही देख लिया उठा करके, दिल्ली को ध्रुवीकरण की राजनीति में कभी बाधा नहीं गया,
या दिल्ली उससे प्रभावित नहीं हुई है? शीला दीक्षित को अगर 3 बार दिल्ली की जनता ने मुख्यमंत्री बनाया तो बनाया उनके काम के बुनियाद पर या जिस भी बुनियाद पर, दिल्ली में इस किस्म का माहौल कभी देखने को नहीं मिला चुनाव के अंदर, दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर, ये तो आप मानते हैं। और ऐसे में दिल्ली की जनता का इस किस्म से प्रभावित ना होना ये एक बड़ी बात है। देखिए, दिल्ली जो है देश की राजधानी है। दिल्ली एक एक तरह से मैं आपको बताऊं कि पूरे देश का एक मिश्रण है। दिल्ली के जो मूल रहने वाले लोग हैं उसके अलावा यहाँ पे पूरे देश के लोग, चाहे पूरे देश के लोग दिल्ली के अंदर आके रहते हैं, चाहे वो रोजगार के लिए आएँ, चाहे वो शिक्षा के लिए आएँ, चाहे वो उद्योग के लिए आएँ। तो यहाँ पे एक तरह से मिक्स और जो एक क्रीम आप कह सकते हैं, जितने भी काबिल लोग हैं और जितने भी पढ़े लिखे मेरिट पे लोग हैं वो लोग यहाँ रहते हैं, ठीक है, और वो अपना डिसीजन बिल्कुल यानी कि धर्म के आधार पर या किसी दूसरे आधार पर ध्रुवीकरण को दिल्ली की जनता ने नकार दिया, शकील चौधरी साहब। अब ऐसे में, ऐसी स्थिति में क्या दिल्ली की इस नतीजे का संदेश दूसरे राज्यों के लिए जो जा रहा है, मैं लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में नहीं कर रहा हूं, मगर जो एक संदेश जा रहा है वो संदेश लोकतंत्र के लिए ठीक है, जो कि आम आदमी पार्टी बार बार उस बात को कह रही है, कांग्रेस पार्टी बार बार उस बात को कह रही है, आप इससे सहमत हैं? जी, अगर विधानसभा चुनाव आप पार्टी जीत लेती है तो ये तो निश्चित है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का चुनाव है, हरियाणा का चुनाव है और राज्यों का चुनाव है, और लेटेस्ट जो है बिहार में चुनाव होना है। तो इसमें कहीं ना कहीं जो है आप पार्टी अगर जो है अपने दमखम पे अगर वो अपने कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर वहां पर जो है उन राज्यों में भेजेगी तो आप पार्टी को इसका लाभ होगा, क्योंकि हर जनता चाहती है, जैसे दिल्ली में मुफ्त बिजली और पानी को लेकर के हुआ है, लोगों को जो है आदत पड़ी है कि चलो जी हमारी बिजली का जो पानी का जो है बिल माफ हो गया, बिजली का हो गया। और राज्यों में भी जो है लोगों की, जनता की डिमांड है कि हमारे राज्य में भी केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री आए। जब्बार जी, मैं इस पर आना चाहूँगा। जी देखिए, शकील जी बात कह रहे हैं, अभी 2015 का चुनाव हुआ था हरियाणा दिल्ली के अंदर, और अरविंद केजरीवाल जी एक मास मेजोरिटी में आए थे, 67 सीट लेके आए थे। उसके बाद में अदर चुनाव, अदर स्टेट के अंदर चुनाव हुई, जमानत जब्तों की, हर जगह की डेमोग्राफी ज्योग्राफी स्टेट की अलग होती है। हरियाणा के अंदर कुछ और समस्याएं होती हैं, पंजाब के अंदर कुछ और समस्याएं हैं, चंडीगढ़ बिल्कुल अलग डेमोग्राफी ज्योग्राफी, विधानसभा, इसलिए दोनों को मैं अलग अलग करके देखा। इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन की बात कर रहा हूं, हरियाणा के इलेक्शन में आप तीन चुनाव से देखें, दिल्ली की जनता ने कहीं ना आम आदमी पार्टी का साथ, मैं वही कह रहा हूं, अगर लोकसभा का चुनाव हुआ, नवीन पटनायक को लोगों ने चुना और बीजेपी को वहां पे वोट किया, क्योंकि वहां पे बीजेपी सेकंड नंबर पे जो कि कभी कांग्रेस हुआ करती थी। ऐसे कई जगह पे होते हैं, क्योंकि हर स्टेट के डेमोग्राफी और ज्योग्राफी बिल्कुल अलग होती है। इसका मतलब नहीं कि नवीन पटनायक, बार बार सवाल को पूछा जाता है कि 7 के 7 सीट में 2014 में 2019 में बिल्कुल पार्टी के खाते में चली जाती है, वही बोल रहा हूं। तो वही मैं कह रहा हूं कि क्या दिल्ली की जनता की लोकसभा चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं, पहचानने में अमित शाह से भूल हुई, नहीं, नहीं, क्या उन मुद्दों को अमित शाह पिक नहीं कर सके, उनके आधार पर चुनाव प्रचार प्रसार की रणनीति तैयार नहीं की? एक बात में, एक बात है कि किसी से भूल कुछ नहीं हुई, हमारा वोट परसेंट बढ़ा, सारा चीजें हुई है। देखिए क्या है कि यहाँ की जो राजनीति, मैं वही बार बार बोल रहा हूँ, शकील जी जो बोल रहे हैं, शकील जी कह रहे हैं उसका इम्पैक्ट पड़ेगा अदर स्टेट के इलेक्शन में। मैं ये कह रहा हूँ कि हर स्टेट का अपनी डेमोग्राफी और ज्योग्राफी बिल्कुल अलग होती, वहाँ का मतदाता अलग होता, वहाँ की समस्याएं अलग होती, वहाँ की चीजें अलग होती हैं। इवन और तो छोड़ दिए, अगर उत्तर प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश की समस्या कुछ और है, पूर्वी उत्तर प्रदेश की। आपकी निगाह में, अनुरोध जी, आपकी निगाह में आम आदमी पार्टी को मैं कहता हूँ कि ठीक है, हो सकता है ये आंकड़े बदल जाए अभी थोड़ी देर के बाद में, मगर ये जो तस्वीर दिख रही है फिलहाल तो आम आदमी पार्टी को बहुत मिलता हुआ दिख रहा है। आपके हिसाब से क्या चीजें गई आम आदमी पार्टी के फेवर में? देखिए, आम आदमी पार्टी के फेवर में, चैनल पे नहीं बोलना चाहिए, एक ही चीज फेवर में रही, कांग्रेस बिल्कुल नहीं लड़ी। तो जो कांग्रेस का जो टर्न, इसी सवाल को मैंने कई बार पूछा था कि क्या कांग्रेस पार्टी का वॉकओवर दे देना आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत साबित हुई है, और कांग्रेस पार्टी का ना लड़ा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की इसमें रणनीति यह थी कि बीजेपी को किसी तरीके से भी हराया जाए। जैसा कि आप देखिए महाराष्ट्र में, अब परविंदर सेठी जी मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा, महाराष्ट्र में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने शिवसेना के साथ जाने का फैसला इसलिए कर लिया क्योंकि उसे बीजेपी को दूर रखना था, तो क्या वही स्ट्रैटेजी, क्या वही रणनीति दिल्ली में, क्योंकि आप कांग्रेस के लिए क्या है कि पहले बीजेपी को दूर करो बाद में हम आएंगे, और क्या कांग्रेस पार्टी लोकसभा के चुनाव पर फोकस कर रही है कि यही वो सहयोगी पार्टियां लोकसभा में हमारे साथ में नजदीक आ सकती है, इनके सहारे हम लोकसभा में कामयाबी हासिल कर सकते हैं, क्या इसको इस तरीके से जोड़ करके देखा जाए? देखिए, मैं नहीं समझता कि इस तरह की कोई बात होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी, फिर कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं किया चुनाव प्रचार प्रसार? देखिए, मैं आपको सुना, दिखाऊंगा वो साउंड बाइट भी है, मैं देखा है,
मैं ये कहता हूं कि जो कांग्रेस पार्टी है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में ना आए इसलिए अपने आप को बिल्कुल कमजोर कर देगी, अपने आप को बिल्कुल खत्म कर देगी। बड़े गोल की तरफ क्या वो बड़ा गोल की तरफ टारगेट नहीं कर रही है? अगर मौजूदा वक्त में वो लड़ती जाहिर तौर पर इससे तो डिसमिस हो जाएगी, जाहिर तौर पर एक्सेप्टेंस खत्म हो जाएगी उनकी। जाहिर तौर पर कांग्रेस खत्म हो रही है, कांग्रेस दिल्ली में शेयर करती और वो वोट शेयर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का होता जो कटता, जो कांग्रेस के खाते में ज्यादा आता अगर मजबूती के साथ लड़ती, फायदा बीजेपी को होता। तो क्या कांग्रेस की प्राथमिकता यह थी कि बीजेपी को हराया जाए, जितने दिया जाए आम आदमी पार्टी को, और यही शायद लोकसभा में हमारे साथ आकर खड़े हो सकते हैं? अपनी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन अगर उनका ऐसा डिसीजन है तो यह बहुत ही मूर्खतापूर्ण डिसीजन है, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली की सत्ता बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर वो इस तरह की स्ट्रेटेजी खेलते हैं तो वो अपना बहुत बड़ा नुकसान। रमेश मोहन साहब, क्या कोई डील हुई थी कांग्रेस पार्टी के साथ में? सवाल ही नहीं उठता, सवाल जो मैं बड़ी नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको हरियाणा का विधानसभा चुनाव का याद होगा, अरविंद केजरीवाल बार बार ये चाह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के साथ में हो जाए, गठजोड़ हो जाए, दिल्ली में हो जाए, वहां हो जाए, कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया था। मगर इस बार क्या कोई ऐसी बीच की लाइन, बीच का रास्ता लिया गया कि साहब ठीक है हम वैसे भी दिल्ली में हम है नहीं, 0004 चुनाव से हम झेल रहे हैं, देख रहे हैं, तो ठीक है एक बार वॉक ओवर कर देते हैं, दे देते हैं आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी हो जाए। आपके ही चुनाव के गिनती के दिनों के पहले की डिबेट में कांग्रेस के लोग आते थे और बोलते थे अरे साहब देख लीजिएगा हम दिखा देंगे, हमारे एमसीडी में वोटिंग के परसेंटेज बड़े हैं और हम फिर दूसरे नंबर की कम से कम पार्टी होकर के आएंगे। आपने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ में कोई बड़ा चेहरा उतारा था? नहीं, सुनिए ना, किसने कद्दावर नेताओं को उतारा था? किसने? कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने। हमने मना किया था उनको? नहीं, मैं पूछ रहा हूं। नहीं, हमने मना किया था क्या उनको? उसका क्या मायने समझे? वो तो बीजेपी ने भी नहीं उतारा, बीजेपी का कौन सा बहुत बड़ा चेहरा आ गया था। दरअसल ये है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों के पास कोई क्रेडिबल फेस नहीं है। इसलिए भाजपा तो प्रधानमंत्री जी की इमेज को आगे करके चलती रही और कांग्रेस तो शीला जी के नाम पे चुनाव लड़ती रही, उन्हें पंडित नेहरू के नाम पे चुनाव लड़ना चाहिए। हाँ, ये मगर शीला जी, आपने जो सवाल पूछा है, तीन टेन्योर का शीला दीक्षित 15 सालों के बाद में अगर हारी तो क्या लगा कि विकास नहीं हुआ इस वजह से हारी थी, या कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के खिलाफ में जो एक लहर थी देश में उसकी वजह से हारी थी? देखिए, ऐसा चुनाव हारने के चुनाव जीतने के कई कारण होते हैं, और जहां तक शीला दीक्षित जी के सरकार के चुनाव हारने का मुद्दा था, जाहिर सी बात है कि भ्रष्टाचार पे हमारा आंदोलन था उस वक्त। आज हम सरकार में हैं तो भ्रष्टाचार में काम तो कर ही रहे हैं। वो जो आंदोलन था उसने कांग्रेस की हार में बड़ी भूमिका निभाई थी, मैं तो कहूंगा केंद्र सरकार में भी बड़ी भूमिका निभाई। ये भी जनता की तरफ से आवाजें उठी कि फ्री की लत लगा करके, आदत लगा करके आपने एक गलत तरह की धारणा कायम की है। देखिए, मैं फिर बता रहा हूँ, फ्री की लत, अभी एक चैनल के एंकर का मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने तो दिल्ली वालों को मुफ्त खोर तक कह दिया। ये बड़े नहीं, ये आरोप लग रहे हैं जिन आरोप को मैं आप तक लेकर मैं उस आरोप का जवाब दे दूं। दिल्ली पूरे देश में अकेला ऐसा राज्य है जहां बजट सरप्लस में है। बजट सरप्लस में होने का मतलब क्या? राजकोषीय घाटा यहाँ है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि हम जनता का पैसा जनता को वापस कर रहे हैं। मैं एक चीज समझना चाह रहा हूं। अच्छा, मैं आपने आपने कहा कि हमने काम किया तो हमारे काम की बुनियाद पर हमें उठी। मैं एक सवाल लेना चाहता हूं। एक दो बात कि आपने कहा कि हम 500 स्कूल बनवाएंगे, अमित शाह ने कहा कि एक भी स्कूल नहीं बने, दिखा दे अगर कोई स्कूल है। आप कहोगे कि साहब लैंड हमारे पास में नहीं है, तो मेरा सवाल यह कि जब आपके पास में लैंड नहीं थी, जमीन का अधिकार आपके पास में नहीं था, तो आपने जानबूझ करके जनता को छला ना, नहीं? ना, 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 ना। नहीं, ये सवाल बार बार उठता है। देखिए, वो देश के गृह मंत्री भी हैं, सिर्फ पार्टी के अध्यक्ष ही नहीं थे, देश के गृह मंत्री भी वर्तमान में है, उनके पास सूचना का ऐसा अभाव होगा, जबकि सूचना के सारे तंत्र उनके पास है। उन्होंने अपनी पहली कार्यकर्ताओं की सभा में क्या कहा? मैं दूरबीन लेके ढूंढता रहा और सीसीटीवी कैमरा मुझे नहीं दिखा। आप देखें, जब वो एक गली से बाहर अपने कार्यकर्ता गया, खाना खाने जा रहे थे, हमने सीसीटीवी कैमरे में उनकी फुटेज निकाल के दिखा दी। अब उन्होंने कहा कि स्कूल नहीं बना। आरटीआई में जवाब मिला है कि 16 नए स्कूल बनाए गए, विश्वविद्यालय नहीं बना। मैं इसी चैनल पर बोल के गया, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी नरेला में बनाई गई। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि हमने जनता के साथ कोई छलावा किया। ठीक है अनुज जी, ठीक है। देखिए, मैं श्रीवास्तव जी बोल रहे थे, राजकोषीय घाटा नहीं है। जल बोर्ड इनका 1800 करोड़ रुपए घाटे में है,
डिस्कॉम की हालत क्या बना दी है इन्होंने, इनको ही पता है क्योंकि बिजली कंपनियां बिजली देने से बंद कर रही हैं क्योंकि उन्होंने पैसे सुन लीजिए। अरे तो बड़ा सीरियस बता रहे हैं आप, अरे सुन लीजिए, दिल्ली की जनता को परेशानी हो जाएगी। परेशानी आप जाइए, एक मिनट, डिबेट में नहीं आना चाह रहा था, आप विद्वान व्यक्ति हैं, मैं आपके तट पे नहीं बोला सर, मैं आपके तट पे नहीं बोला, आप हमसे सीनियर हैं सर। एक चीज आपने कहा, डिस्कॉम बिजली देने से मना करने जा रही है, ये क्या धमकी है दिल्ली वालों को कि चुनाव अगर भाजपा को हराया तो घर में अंधेरा कर देंगे? सिर्फ इतना ही बोल रहा था, अपनी इन्फॉर्मेशन के बुनियाद पर इस बात की शंका को जता रहे हैं। सूचना है आप ही की जो आरटीआई बोल रहे हैं, आपने कहा 500 स्कूल बनाने का वादा किया था, 4 टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनाने का वादा किया। जिस स्पोर्ट यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं वो जमीन का लैंड एक्विजिशन हुआ था जब शीला दीक्षित जी चीफ मिनिस्टर हुआ करती थी नरेला में, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने एक भी फाउंडेशन कहा कि हम इतने ब्रिज बनाएंगे, इन्होंने कहा वेस्ट एनर्जी के प्लांट लगाएंगे, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल करेंगे, एक पेड़ तक नहीं लगाया होगा हरियाली के लिए, कहीं पर ग्रीन नहीं क्रिएट किया। उसके बाद में अगर देखा जाए यमुना नदी का, अगर देखा जाए 2% की लेंथ केवल दिल्ली के अंदर है, लेकिन अगर पॉपुलेशन में पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूशन है 76% कंट्रीब्यूशन है, वो अलग बात है कि ठीक है चुनावी हमारा वोट शेयर बढ़ रहा है, सारी चीजें बढ़ रही हैं, हम उसका विश्लेषण करेंगे, अभी एक दो घंटे इंतजार कर लीजिए। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं हमने ये किया वो किया, भाई 200 यूनिट जिसकी बिजली फ्री, अगर किसी के 201 यूनिट हो जाता है उसकी बिजली फ्री हम खत्म कर देंगे। उसके बाद आप कहते हैं हम क्या कहते हैं बहनों के भाई हैं, 4 साल आप बहनों के भाई नहीं रहे, जब 2019 आता 20 आता चुनाव का टाइम आता तब आप के भाई हो जाते हैं, आप फ्री राइडिंग करते हैं, 5000 बस खरीदने का सर आप वादा करते हैं और 3000 वो बस तो छोड़ दीजिए, क्लस्टर में से 3000 बसें कम कर देते हैं।